ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर रविवार 2023, श्री सुसंवत 2080, शक संवत 1945, अगहन महीना अंधेरा पार, छठ तिथि, सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में। आज अश्लेषा नक्षत्र रात 9:34 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य, पश्चिम दिशा परिहार पान। कहने का मतलब यह है आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए अशुभ है, और अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो पान खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक, गुली काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक, यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 तक। राहु काल में कोई शुभ काम न करें अथवा यात्रा का आरंभ न करें। क्यों? क्योंकि राहु काल में कोई शुभ काम आप करते हैं या यात्रा का आरंभ करते हैं, ये दोनों काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आपको कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है तो क्या करेंगे? अगर कोई शुभ काम करना है, यात्रा का आरंभ करना है, तो दोनों काम अगर आप गुणित काल में करते हैं तो सफलता मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेके चलते हैं, राशि परिचय कराते हैं। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इन्हें इस प्रकार समझें। जैसे कि प्रा, प्रा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे प्रांजुल है, प्रीति है, तो प्र से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्र को आप पास देखें, यानी कहने का मतलब यह है प्र को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है, फिर त्रा से क्या करेंगे आप? त्रा को आप ता से देखें, कहने का मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञ होता है, और ज्ञ से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे ज्ञानचंद है, ज्ञानवती है, तो ज्ञ से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञ को आप गा से देखें, कहने का तात्पर्य यह है ज्ञ को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है, और श्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि श्रेया है, सृष्टि है, तो श्रा से आप परेशान न होइए, श्रा को आप सा से देखें। कहने का मतलब क्या है? श्रा को आप कुंभ राशि में देखें। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेकर चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों आज माता का सहयोग प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिता को कष्ट होने के योग हैं। विशेष उपाय हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं। टोरस यानी वृषभ राशि। वृषभ लग्न राशि के जातकों आज पराक्रम के द्वारा रुके हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी, परंतु भाग्य में बाधा उत्पन्न होगा, धार्मिक कामों में अरुचि रहेगी और आपको अपयश मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय अपने वस्त्रों पर
अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज धन संग्रह करने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, परंतु आय को नुकसान होने के योग है। पुरुषों की शक्ति को भी हानि पहुंचेगी। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, दूध खीर मिश्री या सफेद वस्तुओं का दान करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। खर्चा अधिक होगा, परंतु ननिहाल पक्ष से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, गुड़ का दान करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान को कष्ट होने के भी योग है, दिमाग में टेंशन रहेगी। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज आपको समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, पिता का सुख प्राप्त होगा, परंतु माता को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने कपड़ों में अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी, भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी को पके केले चढ़ा। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों आज पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, आयु में वृद्धि होगी, लेकिन धन हान होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, शनि देव महाराज की सेवा करें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे, अनावश्यक धन खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं। झगड़े झंझट की स्थिति आपके सामने आ सकती है। विशेष उपाय, हनुमान जी की सेवा करें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज विद्यार्थियों को विशेष विद्या का लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, बुद्धि के द्वारा रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ होने के भी योग है। विशेष उपाय, केले वृक्ष की सेवा करें। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो क्या करें, राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखें, और अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी लग्न की निःशुल्क यानी फ्री आप कार्ड जानकारी कर सकते हैं लग्न की। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807-2255-23 पर सुबह 5 से शाम 5:30 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान
मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर पास सामने आवास विकास कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता।